आज बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा गेट रेडी विथ मी फॉर माय बर्थडे, तो सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, तो चलिए इसी के बीच में हमारा गेट रेडी विथ मी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्किन केयर में आता है टोनर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का उपटन ग्लो टोनर। इसको अच्छी तरह से अपने फेस में स्प्रे करने के बाद पैट ड्राई कर लूँगी मैं अपने हैंड्स के हेल्प से। देन मेरे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डॉटन की का 72 आवर मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है ये, गर्मियों के लिए खास करके बहुत ही अच्छा है, एकदम से कूलिंग सेंसेशन दे देता है। मॉइस्चराइज़र को मैं अच्छी तरह से अपने ऑल ओवर फेस में अप्लाई कर लूँगी। मीनवाइल अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ले लूँगी वैसलीन। अच्छे से इसको अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप फिनिश होने तक मेरा लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। तो स्किन केयर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब आती है भारी बेस की, जिसके लिए मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ NYBA का प्राइमर, जो कि मेरे पोर्स को फिलअप कर देगा और मुझे एक स्मूथ बेस दे देगा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। अच्छी तरह से मैं प्राइमर अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ फिट मी फाउंडेशन। अच्छे से इसको 2 ड्रॉप अपने हैंड्स पर मैं निकाल लूँगी, इसको अच्छी तरह से वार्म अप कर लूँगी अपने फिंगर्स के हेल्प से। देन इसको डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह से ऑल ओवर फेस में मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फिंगर्स के हेल्प से। इससे क्या होता है कि हमें ब्लेंडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। देख सकते हो गाइस, अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद कुछ बच चुका है और इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर गाइस मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर को वाटर में सोक करके इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। वाटर में सोक करने के वजह से मेरा ब्यूटी ब्लेंडर आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा है, फाउंडेशन भी मेरा अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। फाउंडेशन ब्लेंड हो जाने के बाद यहाँ पर जो बच गया था फाउंडेशन, उसको मैं आज कंसीलर यूज़ कर लूँगी अपने आईज़ पे, क्योंकि आज मुझे कुछ हैवी मेकअप नहीं चाहिए कि ज़्यादा फुल कवरेज नहीं चाहिए, लाइट कवरेज में हो जाएगा। देन गाइस मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर के हेल्प से। सबसे पहले मैं अपने अंडर आई और आई को सेट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले क्रीज बिल्डअप होता है, तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सेट कर रही हूँ। देन मैं अपने ऑल ओवर फेस को सेट करूँगी। बेस सेट होने के बाद मैं सबसे पहले आ जाती हूँ अपने आईब्रोज़ के ऊपर। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ मेरे आईब्रोज़ को, देख सकते हो गाइस, लाइट लाइट अमाउंट में लेके मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद गाइस एजेस को भी थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मेरा आईब्रो थोड़ा थोड़ा जहाँ पर बाकी रह गया होगा उसको मैं फिलअप कर रही हूँ। देख सकते हो गाइस, इस तरफ का आईब्रो और इस तरफ का एकदम से नेचुरली मैंने फिलअप किया है। दोनों ही आईब्रोज के बाद मैं आ जाती हूँ अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए, जो कि है कॉन्टोरिंग। एक लाइट ब्राउन शेड को लेके मैं ऐसे कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, अपने चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ। देन अपने जॉ लाइन को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए उसे भी कॉन्टोर कर लूँगी, अपने नोज़ को भी थोड़ा सा शार्प शो करूँगी और अपने फोरहेड पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद गाइस अपने चीक्स को थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, एक कोरल पिंक टोन में।
मैं एक ब्लश लेके अप्लाई कर रही हूँ। बारी आ जाती है आई शेडो की, तो इसमें मैं कोई भी तामझाम नहीं करने वाली हूँ। एक गोल्डन शेड को लेके मैं ऐसे ही अपने आईज़ पर अपने फिंगर्स के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई लुक बहुत ही मिनिमल दिखे। देन मैं एक पिंक शिमर शेड को लेके अपने सेंटर आईलिड पे थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी जो कि लाइटनिंग की वजह से थोड़ा सा पॉप अप करेगा। देन गाइस मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और अपने ब्रिज अप द नोज़ को भी, अपने आईब्रोज़ के एजेस को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। देन गाइस इस हाइलाइटर को मैं थोड़ा सा अपने लोअर बॉर्डर लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी। लिप्स के आउटलाइन को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। देन अपने चीक्स को, अपने जॉ को, अपने चिन को मैं हाईलाइट कर लूँगी। देन मैं ले रही हूँ डाजलर का आईलाइनर, इसकी हेल्प से मैं एक थिक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का काजल, इसको मैं अच्छे तरह से अपने दोनों ही आईज पे अप्लाई कर लूँगी। लास्टली मैं यहाँ पर ले रही हूँ डैजलर का लिपस्टिक जो कि था पिंक अंडरटोन में, उसको मैं एज अ लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा पिंक शेड मैं अंदर की तरफ भी अप्लाई करूँगी पर इसको आज मैं लिप लाइनर की तरह ज़्यादा यूज़ करूँगी। देख सकते हो गाइस अच्छे से मैं यहाँ पर लिप लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद गाइस लिप्स को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेरा फेवरेट जस्ट हर्ब्स के मिनी लिपस्टिक, जिसमें से एक शेड था ब्राउन कलर का, उसको मैं एज अ लिप फिलर यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हो गाइस ताकि ये दोनों शेड मिलकर मेरा पसंदीदा कलर आ जाए। तो यहाँ पर मेरा मेकअप ख़त्म होता है, तो मिलती हूँ आपसे मेरा फाइनल लुक के साथ। तो गाइस ये है मेरा आज का फाइनल लुक, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम तो सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और मेकअप लुक भी मेरा एकदम से रेडी है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी किए मैं चलती हूँ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। टिल देन टाटा बाय।